मैं डॉक्टर अमरेंद्र यादव उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के ऑनलाइन क्लास में उपस्थित हूँ। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपने बीकॉम स्तर पर अकाउंटेंसी पेपर के अंतर्गत डिप्रेसिएशन चैप्टर को देखा था, आज उसी चैप्टर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के उपस्थित हूँ। तो आइए आज हम इस लेक्चर में देखते हैं कि डिप्रेसिएशन से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर डिप्रेसिएशन ऑफ एसेट्स प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन को आइए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑन 1 जुलाई 2008 को एक कंपनी जो है परचेज कर रही है एक मशीन को ₹3,90,000 और इस पे खर्च कर रही है कितना ₹10,000 ऑन इंस्टॉलेशन, इसके इंस्टॉलेशन पे ₹10,000 एक्सपेंस कर रही है। उसके बाद इट डिसाइडेड टू प्रोवाइड डिप्रेसिएशन एट द रेट 15% पर एनम, प्रत्येक वर्ष 15% की दर से इस पे ह्रास चार्ज किया जाता है। और कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो ये कह रहा है कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जो WDV मेथड है उसे हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपने डिप्रेसिएशन के मेथड्स को भी देखा था, उसमें से एक मेथड WDV मेथड इस न्यूमेरिकल में यूज करने को कह रहा है। ऑन 13 नवंबर 2011 द मशीन वाज करने के बाद इसके जो ₹5,000 था ये बेकार होने की कास्ट हो गई थी, देन इसे क्या किया गया था, सोल्ड कर दिया गया था ₹1,00,000 में। उसके बाद कह रहा है कि ऑन 1 दिसंबर 2011 द कंपनी एक्वायर्ड एंड पुट इनटू ऑपरेशन अ न्यू मशीन एट अ टोटल कास्ट ऑफ ₹7,60,000, डिप्रेसिएशन वाज प्रोवाइडेड ऑन द न्यू मशीन ऑन द सेम बेसिस एज हैड बीन यूज्ड इन द केस ऑफ द अर्लियर मशीन। यानी कि जो डिप्रेसिएशन का रेट था वो पहली मशीन में जो ये 15% चार्ज हो रहा था वही यहाँ पे भी चार्ज किया जा रहा है। उसके बाद कह रहा है द कंपनी क्लोज इट्स बुक ऑफ अकाउंट एवरी ईयर ऑन 31 मार्च, 31 मार्च को वो बुक को क्लोज करता है। तो उस समय आपसे ये क्या क्या तैयार कराना चाह रहा है, तो यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट्स, एक मशीनरी अकाउंट्स आपको बनाने हैं। उसके बाद मशीनरी अकाउंट आपको बनाने के लिए कह रहा है, ये प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रेसिएशन अकाउंट। उसके बाद कह रहा है कि फॉर 4 अकाउंटिंग ईयर, 4 वर्षों के लिए ये बनाने को कह रहा है, और वह वर्ष कब हमारा इंड हो रहा है, तो इंडेड 31 मार्च 2012। अब यहाँ पर 2008 को मशीनरी हमारी खरीदी गई थी, अब 2008, 9, 10, 11 इस 4 ईयर का हमें अकाउंटिंग तैयार करना है। तो उसके लिए हमारे पास ये जो गिवन न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम है इसका हम अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक साइड आप देख रहे हैं कि ये वही क्वेश्चन है जो यहाँ पर हमने दिखाया है, अब इसकी सहायता से हम अकाउंटिंग करेंगे। तो अकाउंटिंग में हमको सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखनी है कि इस न्यूमेरिकल में कौन सा मेथड यूज करना है। तो WDV मेथड यूज करने के लिए इसने एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद अब हम आते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट ये बनाने को बोल रहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर मशीनरी अकाउंट के लिए हेडिंग दे देंगे। अब मशीनरी अकाउंट का हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया, उसके इस जो न्यूमेरिकल है इसके बिहाफ पे क्वेश्चन प्रॉब्लम दिया हुआ है उसके बिहाफ पे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 2008 में हम देखेंगे कि 1 जुलाई को हमने क्या किया था, मशीन परचेज किया था कितने में, 3,90,000 में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 2008
July 1st डेट के कॉलम में हमने डेट लिख दिया। उसके बाद हमारा जब मशीनरी परचेज करते हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारी जर्नल एंट्री होती है। उसके जर्नल एंट्री के बिहाफ पे हम जब इसे लेजर में ले जाते हैं तो यहाँ मशीनरी अकाउंट में टू बैंक अकाउंट हमने लिखा और उसका अमाउंट हमारा 3,90,000 दिखा दिया गया। उसके बाद अब हम देखते हैं कि कह रहा है कि एंड स्पेंट, इस पे क्या खर्च किया गया है, तो 10,000 रुपये इस पे इंस्टॉलेशन चार्ज दिया गया है। उस मशीन को स्थापित करने की जो लागत थी उसे हम यहाँ पे 10,000 रुपये दिखाएंगे। तो ये जो 10,000 रुपये है, जब मशीनरी हम परचेज करते हैं उसे इंस्टॉल करते हैं तो ये सब कुछ हमारा मशीनरी के वैल्यू में ऐड होता है। तो यहाँ पर देखिए टू बैंक हमने लिख दिया है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस यहाँ पर हमने लिख रखा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 10,000 यहाँ आया। अब टोटल हमारा जो कास्ट हो गया ये 4,00,000 रुपये हो गया है। अब इसको देखिए, इस पर डिप्रेसिएशन चार्ज करने की बात थी तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से डिप्रेसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं तो वो 15% है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारा जो मशीनरी परचेज किया गया था जिस फाइनेंशियल ईयर में, उस फाइनेंशियल पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हम देखेंगे कि मशीन कितने ड्यूरेशन के लिए यूज किया गया है। जितने ड्यूरेशन हमने मशीन को यूज्ड किया है उतने ही ड्यूरेशन का हमें पर्टिकुलर उस ड्यूरेशन के लिए डिप्रेसिएशन चार्ज करने होंगे। तो हमारी मशीनरी 1 जुलाई के लिए थी। अब 1 जुलाई से अगर आप काउंटिंग करते हैं तो आपका जुलाई और 2 मार्च 31 मार्च के लिए ये टोटल हमारे पास जो मंथ्स हो रहे हैं ये 8 मंथ हो रहे हैं। तो 8 मंथ्स के लिए हमें डिप्रेसिएशन चार्ज करना है। उसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि जो डिप्रेसिएशन है वो 15% के हिसाब से हमारा 4,00,000 पे अगर चार्ज होता है तो 8 मंथ का डिप्रेसिएशन हमारा कितना आ रहा है, तो ये 40,000 रुपीज आ रहा है। उसके बाद अब हमारे पास कोई ऐसा इस प्रॉब्लम में कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि कुछ और हमें यहाँ पर पुटअप करने की बात आए, तो यहाँ पर हम अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करने के लिए यहाँ पर देखते हैं बैलेंसिंग फिगर हम, तो बैलेंसिंग फिगर में हमारा यहाँ पर 4,00,000 में से हम 40,000 को लेस कर देते हैं तो 3,60,000 रुपये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब ये बैलेंसिंग फिगर हमारा 2009 में क्या करेगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2009 अप्रैल 1st को हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,60,000 रुपये यहाँ पे दिख रहा है। अब इस साल 2009 में हमारा जो ये क्वेश्चन है ये कुछ भी परचेज करने के बारे में नहीं कह रहा है, तो उस स्थिति में हमारा डिप्रेसिएशन जो चार्ज होगा वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे चार्ज होना है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हमारा क्या है कि जो अमाउंट हमें मिलता है बैलेंसिंग फिगर उस पे हम डिप्रेसिएशन चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3,60,000 रुपये हमें 15% के रेट से, एट द रेट 15% पे डिप्रेसिएशन चार्ज करते हैं तो 54,000 हमारा डिप्रेसिएशन निकल करके आता है। तो इस 54,000 के डिप्रेसिएशन को हम यहाँ पर लिखते हैं बाय डिप्रेसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर कुछ है और इसमें इंडिकेशन नहीं है तो यहाँ पर हम आ करके बैलेंसिंग फिगर ले लेते हैं। तो बैलेंसिंग फिगर में हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो यहाँ पे 3,06,000 रुपी हम बैलेंसिंग में ब्रॉट डाउन कर लेंगे अप्रैल 1st को, और ईयर 2010 होगा हमारा। अब 2010 में क्या हमारा ये क्वेश्चन कुछ कह रहा है, तो इस पे भी ये मौन है, यानी कि वही हमारा अब इस पे भी 15% से हम डिप्रेसिएशन चार्ज कर दें तो चूँकि ये WDV मेथड है रिटर्न डाउन, तो ये बैलेंसिंग फिगर जो हमारा होता है उसी पे हम डिप्रेसिएशन चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 3,60,000
6000 है, इस पे हम 15% के हिसाब से जब डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है जो अमाउंट वो 45,900 रुपीज़ आता है। इसको हम बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट लिख करके मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ बैलेंसिंग फिगर देखेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर हमारा ये 3,06,000 में से ये 45,900 रुपये जब लेस करते हैं तो हमें मिलता है 2,60,100 रुपये, यानी 2,60,100 रुपीज़। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। अब ये हमारा आ जाएगा, ये जो है देखिए यहाँ पर अगले जो हमारा नेक्स्ट ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर हमारा 10 के बाद 11 है। 11 में यहाँ पे कुछ कह रहा है, वो हमें ध्यान देना है। न्यूमेरिकल हमारा कह रहा है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पे देखिए ऑन 13th नवंबर 2011 द मशीन वॉच दिस मेंटेन्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 5,000 देन सोल्ड फॉर रुपीज 1,00,000। अब मशीन हमारा 5,000 के रुपए से उस पर एक्सपेंस किया गया, उसके बाद उसे बेचा गया, यानी कि मशीनरी हमारी काम के योग्य नहीं रह गई, तो उसको काम के हालत में लाने के लिए और उसके बाद उसे हम सेल कर रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा है, उसको हम यहाँ दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2011 में बैलेंसिंग फिगर हमारा 2,60,100 रुपये आपको दिख रहा है। अब हमने यहाँ पर जो चार्ज 5,000 हमने पे किया है, देखिए उसे एक्सपेंस के रूप में टू बैंक अकाउंट हमने यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद अब जो इसी में आगे वो कह रहा है कि एक हम न्यू मशीनरी परचेज कर रहे हैं, तो न्यू मशीनरी जो हम परचेज कर रहे हैं वो हमारी कितने की है और कब परचेज कर रहे हैं ये नोटिस रखना होगा, क्योंकि हमें टाइम पीरियड को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें पूरे ईयर, होल ईयर या पार्सली ईयर। तो अब उसमें देखते हैं कब हम एक और मशीन खरीदने की बात कर रहा है। ऑन 1st December 2011 द कंपनी एक्वायर्ड एंड पुट इनटू ऑपरेशन अ न्यू मशीन, एक नई मशीन वो खरीदने के लिए कह रहा है जिसका कास्ट क्या है 7,60,000, 7,60,000 रुपए की एक नई मशीनरी उसने इंट्रोड्यूस कर दिया। कब? 2011 में। और उसका डेट क्या था? तो 1st December। तो 1st December यहाँ पर आप आएंगे तो देखेंगे 1st December को हम जिस मशीनरी को परचेज कर रहे हैं 7,60,000 रुपए का, तो यहाँ पर टू बैंक टोटल कास्ट ऑफ न्यू मशीन 7,60,000 हम यहाँ पर दिखाते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे टोटल मशीनरी की कॉस्ट कितनी पड़ रही है। यहाँ पर अब ये 10,25,000 रुपए का हमारे पास उस ईयर में मशीनरी है, जिसमें से जिस मशीनरी को हम सेल कर रहे हैं जिसका एक्सप्लेनेशन उसने यहाँ पे दे रखा है, और 1,00,000 रुपए की मशीनरी हम सेल कर रहे हैं। उस 1,00,000 की मशीनरी को जब हम सेल कर रहे हैं तो सबसे पहले अब यही नोटिस करने वाली बात है कब सेल कर रहे हैं। तो कब सेल कर रहे हैं, तो इसका डेट हमें दे रहा है ये 30 नवंबर को उसे हम सेल कर रहे हैं। तो 30 नवंबर को सेल कर रहे हैं, उसके पहले हमें ड्यूरेशन देखना है कि ड्यूरेशन हमारा कितना है, उस हिसाब से हम डिप्रिसिएशन उस पर्टिकुलर मशीनरी का चार्ज करेंगे। तो ये हमारी मशीनरी कब खरीदी गई थी, वो कितना डिप्रिसिएट हुई है, और डिप्रिसिएशन के बाद उसकी वैल्यू कितनी है, उस वैल्यू पे हम उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जिसमें वो सेल की जाती है, सेल आउट हो रही है, उस पर्टिकुलर सेल आउट पीरियड में उसके डिप्रेसिएशन को हम चार्ज करते हैं और डिप्रेसिएशन के अमाउंट को। तो यहाँ पर देखिए अब जो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के हिसाब से हमारे पास 8 मंथ मिल रहा है, इसमें हमारा ये डिप्रेसिएशन उस मशीनरी का आ रहा है। उसके बाद हम सेल प्रोसीजर कर रहे हैं, सेल प्रोसीजर हमारा है 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए हमें मिल रहे हैं। तो जब कैश मिलता है तो बैंक हम के लिए जो
जनरल एंट्री पास होती है, उसके भी यहाँ पे हम इसे मशीनरी सेल कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो बाई बैंक अकाउंट में देखिए 1,00,000 रुपए हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया गया, पोस्टिंग कर दिया गया। उसके बाद अब देखते हैं कि आगे क्या है। तो जिस वो पर्टिकुलर मशीनरी को जब हम परचेज किए थे, उसे यूज किए, डिप्रेसिएशन चार्ज किए, और डिप्रेसिएशन चार्ज करने के बाद उसे हम सेल भी कर रहे हैं, तो इस जो पूरी प्रक्रिया है इसके दौरान मशीनरी को सेल करने के बाद क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से वर्किंग नोट हम देखेंगे। तो वर्किंग नोट हमने यहाँ कर रखा था, वर्किंग नोट के हिसाब से उसके भी यहाँ पे हमने देखा है। तो ये अमाउंट जो आ रहा है, ये अमाउंट हमारा क्या है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ मशीन, जब मशीनरी को हम हटा रहे हैं, उसे सेल कर रहे हैं, उसे नष्ट कर रहे हैं, उस स्थिति में हमें उस मशीनरी पे अब इतने रुपए का लॉस हो रहा है, 1,39,000 का लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर अब इसी पर्टिकुलर ईयर में हम एक मशीन को और परचेज कर रहे हैं, तो इस मशीनरी को जब हम परचेज करते हैं तो पर्टिकुलर मशीनरी कब परचेज करते हैं ये भी तो ध्यान देना है। तो यहाँ पर 1 दिसंबर 2011 को हमने मशीनरी को परचेज किया, तो आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये कुल मिलाकर के जो टाइम पीरियड है उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम डिप्रेसिएशन चार्ज करेंगे, और कास्ट हमारा क्या रहेगा उस डिप्रेसिएशन अमाउंट के लिए, तो 7,60,000, 7,60,000 रुपए पे हम डिप्रेसिएशन चार्ज करेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड इन दैट फाइनेंशियल ईयर व्हेन मशीनरी वाज परचेज्ड। तो यहाँ पर आप देखिए 4 मंथ का हमारे पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 4 मंथ हमारे पास जो है इसका डिप्रेसिएशन हमें किस रेट पे चार्ज करना है, तो जिस पर्टिकुलर रेट पे चार्ज करना है उसके बारे में हमें इस प्रॉब्लम में गिवन किया हुआ है। तो इसमें इसने कहा है कि हम डिप्रेसिएशन का अमाउंट वही रखेंगे जो पहले रखते थे। तो पहले हमारा रेट क्या था, तो 15% पर एनम था, उसी के बिहाफ पे हम यहाँ 4 मंथ का डिप्रेसिएशन कैलकुलेट करते हैं 7,60,000 अमाउंट पे, तो वो निकल करके हमारा आता है 38,000 रुपीज एक पर्टिकुलर उस फाइनेंशियल ईयर में पर्टिकुलर ड्यूरेशन का डिप्रेसिएशन हुआ। अब उसके बाद हम बैलेंसिंग फिगर देखेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर हमारा यहाँ पर 7,22,000 रुपीज दिख रहा है। अब इसके बाद इस बैलेंसिंग फिगर को हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ देखिए 2012 अप्रैल 1 को बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने यहाँ पे 720 कर दिया। अब चूंकि हमारा जो अकाउंट प्रिपेयर करना था मशीनरी अकाउंट, वो हमें बता रहा था कि 31 मार्च ये 2012 तक ही करना है, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा समाप्त हो रहा है, ये लास्ट ईयर तक हमारा आ गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो इसमें मशीनरी अकाउंट के अलावा जो एक और चीज़ तैयार करने को कह रहा था वो डिप्रेसिएशन अकाउंट भी बनाने को कह रहा है। यहाँ देखिए डिप्रेसिएशन अकाउंट बन रहा है। तो फर्स्ट ईयर में हमारा मशीनरी पे डिप्रेसिएशन कितना था, तो ये देखिए 40 ईयर, और इसे कहाँ भेजते हैं, तो जो भी डिप्रेसिएशन होता है, तो जब भी हम डिप्रेसिएशन चार्ज करते हैं तो उस डिप्रेसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रेसिएशन अकाउंट, ये हमारी जनरल एंट्री पास होती है। तो यहाँ पे जब हम डिप्रेसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उस सिचुएशन में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफरेबल अमाउंट है उसे हम यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं डिप्रेसिएशन अकाउंट में। तो देखिए ए पर्टिकुलर ईयर जो हमारा 2009 में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया 40,000, उस पर्टिकुलर ईयर के पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हमारा डिप्रेसिएशन 40,000 था, इसे ट्रांसफ़र किए यहाँ डिप्रेसिएशन अकाउंट में टू मशीनरी अकाउंट। अब हम यहीं पर क्लोज कर देंगे, ये क्लोज हो गया। अब हमारा नेक्स्ट ईयर क्या आएगा, तो नेक्स्ट ईयर हमारा ये जो आएगा वो 2010 का होगा। तो 2010 में हमने
यहाँ पे डिप्रेसिएशन चार्ज किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे फिर से ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफरिंग प्रोसेस वही है एज सेम जैसे कि पहले आप करते चले आ रहे हैं। ये आप प्रीवियस अकाउंट्स जब लेजर पढ़े होंगे तो उस टाइम आप करना इसको बेहतर जानते होंगे, तो इसलिए हम बहुत ईजी गोइंग में चल रहे हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट ईयर में हमारा मशीनरी अकाउंट डिप्रेसिएशन का अमाउंट है 45,000 और ये 900 रुपीज़ यहाँ पे आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया। नेक्स्ट ईयर में ये आ गया और उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद ये हाँ दो मशीनरी थी, तो यहाँ पे दो मशीनरी थी तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट और इसका डिप्रेसिएशन, ये दोनों डिप्रेसिएशन मिलकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा 64,010 रुपीज़ ट्रांसफ़र हो गया। ये वर्किंग नोट हमारे थे, ये वर्किंग नोट हमारा यहाँ के लिए था जब मशीनरी हम सेल कर रहे थे, और ये हमारे इस प्रॉब्लम, ये हमारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इसके बाद अब फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे एक प्रॉब्लम लेकर के हम उपस्थित हुए हैं, तो इसमें हम देखते हैं, पहले सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो मेट्रोपोल लिमिटेड एक्वायर अ मशीन ऑफ रुपीज 5,40,000 ऑन 1 अप्रैल 2009 को मेट्रोपोल लिमिटेड जो है एक मशीन एक्वायर करता है जिसका कास्ट जो है हमारा 5,40,000 रुपये है। कह रहा है कि डिप्रेसिएशन वाज टू बी चार्ज एट 20% पर एनम, उस पर्टिकुलर ईयर में 20% पर एनम डिप्रेसिएशन चार्ज करने को कह रहा है ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ये ध्यान देने योग्य बात है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में जो अभी इसके जस्ट बिफोर जस्ट पहले आपने देखा था कि रिटर्न डाउन मेथड WDV मेथड को यूज किया जा रहा था, यहाँ पर यह प्रॉब्लम जो है कह रहा है कि यहाँ पे जो भी आप डिप्रेसिएशन मेथड यूज करेंगे वो हमारा होगा स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से हमें डिप्रेसिएशन को चार्ज करना है। उसके बाद कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2011 एक मॉडिफिकेशन किया गया उस मशीनरी में, वाज मेड टू इम्प्रूव इट्स टेक्निकल इफिशियंसी, उसकी तकनीकी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक मॉडिफिकेशन किया गया, और वो कितने का था तो 50,000 रुपये, विच इट वाज कंसीडर्ड वुड आल्सो एक्सटेंड द यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन बाय 2 ईयर, जो 2 वर्ष उस मशीन की लाइफ को बढ़ा देता है। उसके बाद कह रहा एट द सेम टाइम, उसी समय एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मशीन वाज रिप्लेस्ड, उसके एक बहुत महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट था, पार्ट था, उसे हमने क्या किया, चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया, जिसकी कॉस्ट क्या थी तो 10,000 रुपीज थी। इस हिसाब से आपको क्या दिख रहा है, हमारी मशीनरी 5,40,000 की थी, उसमें 50,000 रुपये हमने उसके यूजफुल लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए यूज कर दिया। उसके बाद एक पार्ट हमारा चेंज हुआ, उस पार्ट को चेंज करने के लिए हमने 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा एक्सपेंस किया। अब उसके बाद कह रहा है कि रूटीन मेंटेनेंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012 कॉस्ट ₹7,500, ये जो अमाउंट है ये भी एक्सपेंस किया गया, रूटीन मेंटेनेंस जो मशीनरी के लिए यूज की जाती थी। हमें क्या क्या शो करना है, तो अब ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इसमें जो शो करने के लिए वो कह रहा है शो द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012, क्या क्या हमें, तो मशीनरी अकाउंट हमें बनाने को कह रहा है, मशीनरी अकाउंट बनाने को कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद कह रहा है प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट, नहीं यहाँ पर प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट बनाने को बोल रहा है, प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट। उसके बाद तीसरा केस इसमें जो है, ये थर्ड
कह रहा है कि रिलेवेंट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोइंग रेवेन्यू चार्ज रिलेटिंग टू मशीनरी, ये तीन अकाउंट्स हमें तैयार करने के लिए कह रहा है। तो आइए आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर ये देखिए, अभी जो न्यूमेरिकल आपको मैं पढ़ के दिखा रहा था वो एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे शो किया है और इसका सॉल्व आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन था क्या, मेट्रोपॉलिटन लिमिटेड एक्वायर मशीन, मशीन को उसने एक्वायर किया था, कब किया था, तो 1 अप्रैल 2009 को किया था। अब 1 अप्रैल 2009 को उसने मशीनरी एक्वायर किया था, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मशीनरी अकाउंट जो फर्स्ट इसने बोला कि मशीनरी अकाउंट आप तैयार करिए, तो मशीनरी अकाउंट हमने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मशीनरी अकाउंट बनाया। अब देखिए मशीनरी अकाउंट, अब यहाँ पर बैलेंस हमारे पास कितना था, तो ये कितने की थी, 540,000 रुपये। ये देखिए टू बैलेंस फॉरवर्ड 540,000 रुपये। कब खरीदी गई थी, 2009 में खरीदी गई थी। उस समय जब खरीदी गई होगी तो मशीनरी अकाउंट और बैंक अकाउंट ये सब चीज़ें बनाई गई होंगी। यहाँ पर मशीनरी अकाउंट हमें जो बनाना है वो कह रहा है कि 31 मार्च को बनाने को कह रहा है। 31 मार्च मींस आपका 11 और 12 की बात कर रहा है, तो 11-12 की बात कर रहा है। तो 1 अप्रैल जो है 2011 का ये ओपनिंग बैलेंस दिखाएगा। उस टाइम हमारी मशीनरी जो यहाँ पर थी ये 540,000 रुपये की थी। अब उसके बाद इसमें हमने मॉडिफिकेशन कराया था, कितने रुपए से मॉडिफिकेशन कराया था, तो 50,000 से मॉडिफिकेशन कराया था, जो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर अब इस मॉडिफिकेशन चार्ज को भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं, तो 50,000 ऐड करने के बाद हमारे पास जो मशीनरी की कॉस्ट पड़ रही है वो 5,90,000 की हो गई। अब इस 5,90,000 को हम बैलेंस कैरी डाउन कर लिया, उसके बाद हम बैलेंस ब्रेक डाउन पे आए। ये उस पर्टिकुलर जो हमें टाइम दिया गया था उसके लिए हमारा मशीनरी अकाउंट तैयार हो गया। उसके बाद अब प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट, डिप्रेसिएशन का हमें चार्ज करना है। तो डिप्रेसिएशन के लिए हमें देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये हमारी मशीनरी चार्ज होकर के आई थी, तो अब अप्रैल में ये 3,29,000 रुपीज की बैलेंस कैरिड डाउन है, ब्रॉट डाउन में आएगा। इसके लिए हम यहाँ पर, तो अब हम प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट देखते हैं। तो प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट में देखते हैं, तो यहाँ पे वर्किंग नोट आप देख रहे हैं, तो वर्किंग नोट फर्स्ट पे हम आते हैं। तो वर्किंग नोट फर्स्ट पे जब आते हैं तो यहाँ पर देखिए, टोटल एक्सपेंस ऑन मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, रिप्लेसमेंट पार्ट और रूटीन मेंटेनेंस, ये यहाँ पे 7,500 रुपीज ये था। और उसके बाद हमारा 10,000 रुपीज ये जो है ये रूटीन पार्ट के लिए, रिप्लेसमेंट पार्ट के लिए था। ये दोनों मिला करके 17,500 रुपीज हमारा ये क्या है, इसे एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस हम कहाँ पे ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाने को ये बोल रहा है, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे तो वहाँ पे हम ये 7,500 रुपीज को ले चल के वहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर अभी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में हम देखते हैं, तो हमें बैलेंस कितना मिलता है, बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास 3,29,000 रुपीज है। इस पर तो इस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में हम देखते हैं कि बैलेंस जो हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा। तो बैलेंसिंग फिगर के लिए हमारे पास ये जो नोट्स है यहाँ पर देखिए, तो ये 2,16,000 रुपये कैसे आया है, तो डिप्रेसिएशन 1 अप्रैल 2011 डिप्रेसिएशन ऑन 5,40,000, ये जो हमारा अमाउंट था 540, इसके बाद एट 10% 2 ईयर, तो ये आया है, ये हमारा
डिप्रेसिएशन का अमाउंट था, तो यहाँ देखिए 216,000 रुपये डिप्रेसिएशन बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद अब देखते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा क्या जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये यहाँ पे वर्किंग नोट अब 2 पे ध्यान रखेंगे, नोटिस करिए। तो देखिए डिप्रेसिएशन ऑन मशीनरी फॉर ईयर 11-12 में डिप्रेसिएशन तो 5,40,000 पे 20% के रेट से डिप्रेसिएशन चार्ज करने को कह रहा था, 20% डिप्रेसिएशन चार्ज करने को कह रहा था, तो उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड पे डिप्रेसिएशन चार्ज कराने को कहा, तो एक साइड डिप्रेसिएशन चलता चला आता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये हमारा डिप्रेसिएशन का अमाउंट हुआ। फिर 50,000 जो हमने यूज किया था, ये 20% 5,000, ये टोटल हमारा डिप्रेसिएशन ये आ गया, टोटल हमारा अमाउंट ये है, यही बैलेंस कैरीड डाउन और क्लोज किया बैलेंस। चूँकि ये पर्टिकुलर हमारा जो ईयर है 2012 के लिए करने को कह रहा था, तो उसी के लिए बना हुआ है, जब से मशीनरी परचेज की गई थी और 2012 तक थी, लेकिन ये डिप्रेसिएशन जो चार्ज करने को कह रहा था ये हमारा 2012 के लिए कह रहा था, तो इस पर्टिकुलर उस ईयर के लिए हमने यहाँ पे इसको बनाया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने एक्सपेंस क्या क्या किया था, तो एक्सपेंस हमने किया था जिसे वर्किंग नोट में हमने दिखाया था, तो वर्किंग नोट फर्स्ट हमने देखा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 70,500 रुपीज़ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमने प्रोविजन किया, प्रोविजन भी हमारा एक्सपेंस है, तो प्रोविजन का जो हमारा अमाउंट आया था 1,13,000 रुपये जो वर्किंग नोट में हमने देखा था, और ये प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट में यहाँ पे दिखाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब यहाँ पर देखिए हमारा टू प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन ऑन मशीनरी वर्किंग नोट सेकेंड के थ्रू ये अमाउंट आ गया। अब कुल मिला करके देखा जाए तो आपने डिप्रेसिएशन पे यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल साल्व होते हुए देखा। आशा करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह से न्यूमेरिकल साल्व करेंगे और बेहतर पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।